भाभी जी, बाय लागू भाभी जी। भाभी आपको पता है औरत के कई रूप होते हैं। औरत चाहे तो इंसान की वैल्यू बढ़ा भी सकती है और औरत चाहे तो इंसान की वैल्यू कम भी कर सकती है। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को हीरा बुलाकर उसकी वैल्यू बढ़ा देती है, लेकिन एक गर्लफ्रेंड उसको सोना बुलाकर उसकी वैल्यू कम कर देती है। लेकिन मैं कुछ ऐसी औरतों को भी जानता हूँ जो सिर्फ वैल्यू बढ़ाना जानती हैं, जैसे कि मेरे देश की प्यारी प्यारी भाभियाँ। और क्या भाभी, आप सभी के प्यार ने मेरे को सफलता की इस सीढ़ी पर बिठा दिया है। हाँ, सही बता रहा हूँ भाभी, सुबह शाम नाश्ते में ना मैं सिर्फ भाव खाता हूँ, इतनी वैल्यू हो गई है मेरी। खैर भाभी, भाव खाता हूँ तो क्या हुआ, काम भी तो करता हूँ ना। तो भाभी, शुरू करता हूँ अपनी दुकान और दिखाता हूँ आज की स्पेशल खबरें। इशिता ने की शगुन की बोलती बंद, मुंह में लगाया एनेस्थीसिया का इंजेक्शन। विवेक को इम्प्रेस करने के लिए दिव्यंका का ये खूबसूरत हेयर स्टाइल, जिसे देख क्या पति के चेहरे पर आएगी स्माइल। कार्तिक नायरा के बीच में आई मोमबत्ती, क्या अब नायरा के प्यार की जलेगी बत्ती। मयंक का दूर हुआ सालों का टेंशन, दिल्ली में हुआ मयंक हुनर का गठबंधन के बाद ग्रैंड रिसेप्शन। भाभी, सीरियल ये है मोहब्बतें में, इशिता ने शगुन को इंजेक्शन लगा दिया और शगुन की हालत को देखकर रमन को बड़ा मजा आ रहा है। यार ये गलत है, बहुत गलत है, इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए, थोड़ी इंसानियत रखो। इतनी इंसानियत तो गब्बर में भी थी, हाँ, वो भी अपने लोगों को इंजेक्शन नहीं लगाता था। आपने फिल्म का डायलॉग नहीं सुना, साहब मैंने आपका नमक खाया, अब गोली खा। गोली खा, चाहता तो वो भी इंजेक्शन लगा सकता था, लेकिन नहीं, उसने गोली खिलाई। जवाब तेरे जलवे हजारों, मेरा भी पता है मैं ना मानूं कभी हार। तेरी मेरी दुनिया में बेहिसाब प्यार, मैं हूँ एक एंजल और डेविल मेरा यार। तेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं, जिसे ढूंढती नजर लगे तू ही है वही। परियों की रानी हूँ मैं सबसे हसी, पर तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं। बहुत हुआ चूहे बिल्ली का खेल, अब जाकर आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। शगुन मैडम को सबक सिखाने की बारी अब इशिता की है। बहुत चपड़ चपड़ इशिता के खिलाफ बोलती थी, अब बोल के दिखाओ। बोलो बोलो, ये क्या है, ये क्या फील, कुछ फील नहीं। अजीब बोलेगी कैसे, मुंह तो सुन पड़ा है। दरअसल हुआ यूं कि शगुन के नापाक इरादों की भनक अब तो रमन को भी लग गई है। शगुन को सबक सिखाने के लिए रमन ने बनाया एक जोरदार प्लान और इशिता को बना दिया शैतान। शगुन के दांत में दर्द क्या हुआ, इशिता ने चल दी चाल। अब ये तो आप जानते ही हैं कि इशिता ठहरी एक डेंटिस्ट। बस अपनी स्किल का फायदा उठाकर इशिता ने लगा दिया शगुन के मुंह में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन, जिसने शगुन के मुंह को कर दिया कुछ घंटों के लिए बंद। अब बोल के दिखाओ शगुन, आई थिंक बहुत ही क्यूट सीक्वेंस है, काफ़ी टाइम के बाद मैं इतना कॉमिकल सीक्वेंस कर रही हूँ, सो आई एम रियली इन्जॉइंग इट। वे इशिता इज टेकिंग माई केस एंड इवन एज एन एक्टर फॉर मी टू प्रिटेंड, यू नो, तो क्या होता है कि डेंटिस्ट, बिकॉज शी इज़ अ डेंटिस्ट, वो मुझे इंजेक्शन दे देती है एंड माई एंटायर माउथ इज नम, सो फॉर मी टू एक्ट टू टॉक लाइक दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे शगुन की ऐसी हालत देखकर किसी को मजा आए चाहे ना आए, लेकिन रमन की तो मौज आ गई। पहले तो वो बड़ा शगुन की तरफदारी करते थे, लेकिन जब से शगुन की पोल खुली है, उसने निधि के साथ मिलकर इशिता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तब से रमन भी इशिता के साथ ही हो लिए। ऐसी कई सिचुएशंस आएंगी अंटिल पीयू को फुल एंड फाइनल पता नहीं चल जाता कि उसकी शगुन मम्मा बुरी है। इशिता से अगर पंगा लिया तो मुंह की खानी पड़ेगी।
इसीलिए बेहतर ये होगा कि शगुन जी आप अपनी नई नवेली शादी में खुश रहिए और पीहू को अपनी असली माँ के पास ही रहने दीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो सिर्फ मुंह ही बंद हुआ है, आगे हो सकता है इशिता चलना फिरना भी बंद करवा दे। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, iBIN7। भाभी सीरियल ये रिश्ता में घर वाले गए हैं पिकनिक मनाने और हमारी अक्षरा बीमार पड़ी है। किसी के बीमार होने पर कोई घर से कैसे बाहर जा सकता है? भाभी आपको याद है थोड़े दिन पहले मैं बीमार हो गया था, पता है क्यों? क्योंकि मुझे एक मच्छर ने काट दिया था। घर वाले तो छोड़ो भाभी, खुद वो मच्छर भी घर के बाहर नहीं गया। रहना तू है जैसा तू, थोड़ा सा दर्द तू, थोड़ा सुकून रहना तू। क्या नायरा मानेगी या नहीं मानेगी? क्या नायरा कार्तिक से प्यार करेगी या फिर उसे छोड़ देगी? इसी उधेड़ बुन में कार्तिक मोमबत्ती के साथ कर रहा है खिलवाड़। मैं अगर कहूँ तुम सा हसी, कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। इधर नायरा है परेशान किसी चीज को लेकर, कुछ कहना चाहते थे कार्तिक पर नायरा अभी नहीं है तैयार। ऐसे में अब हीरो क्या करेगा यार? नायरा को हंसाने के लिए कार्तिक ने लिया एक बार फिर मोमबत्ती का सहारा और देखिए कैसे कर रहे हैं इस आग के साथ खिलवाड़। पहली बार ये सीक्वेंस में चार कैरेक्टर्स जो हम बात कर रहे थे वो कनेक्ट हुए हैं। पहली बार कार्तिक इतना ओपन और इतना उसमें कॉन्फिडेंस आ गया है फाइनली कि वो नायरा से डायरेक्टली जाकर बात कर रहा है, डायरेक्टली जाकर बोल रहा है कि यू नो डोंट बी अपसेट, आई एम हियर फॉर यू। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। नायरा के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल देखने के लिए कार्तिक ने रचा ये सारा खेल। कार्तिक का ऐसा प्यार देख नायरा भी हो गई फेल और थोड़ा थोड़ा ही सही कार्तिक से दिल लगा बैठी। जो ये पिकनिक का पूरा सीक्वेंस चल रहा है, यहाँ पे पहली बार नायरा को कार्तिक के लिए कुछ फील होता है। पर कार्तिक बाबू हो जाइए सावधान, क्योंकि अगर नायरा के भाई को पता लगा तो हो जाएगा कांड। नक्स जो है उन्हें अभी भी 10% शक है कि उसकी बहन का और कार्तिक का शायद कुछ है, और उसमें मिष्टी जो कार्तिक की BFF है वो बचा लेती है और फिर बाद में आके उसे टपली मार देती है, क्या कर रहे हो? मैं अगर कहूँ तुम सा हसी, कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। वो तो भला हो मिष्टी का जो एन वक्त पर उसने आकर बचा ली जान, वरना आज तो हो जाता कार्तिक का कल्याण। शिखा धारीवाल के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, iBIN7। भाभी सीरियल कसम में ऋषि और तनुजा मिले हैं काली मंदिर में, और मिलने के बाद इनकी खटपट फिर से शुरू हो गई। यार मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ इनकी खटपट बंद ही नहीं हो रही है, इनको देख देख के ना मैंने अपने बाल नोच लिए। आपको क्या लगा ये मैंने बाल कटवाए हैं? नोचे हैं भाभी, मैं सही बता रहा हूँ, अगर इनकी खटपट जल्दी बंद नहीं हुई ना तो मैं ऐसा हो जाऊंगा। रास्ते भागे पांव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे, रास्ते भागे
पांव से आगे जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। तनुजा को है नौकरी की तलाश, इसीलिए कर रही है इतनी भागम भाग। जल्द से मिल जाए नौकरी, इसलिए रास्ते में छोटे से मंदिर को देखकर तनुजा ने सोचा कर ली जाए क्यों ना थोड़ी पूजा। अब बेचारी करे भी तो क्या करे, जब जिम्मेदारियां सर पे आ पड़े तो ऐसी भागदौड़ तो करनी पड़ती है, और यही कर रही है बेचारी तनुजा भी। एक कंपनी से दूसरी कंपनी के लगा रही है चक्कर, लेकिन लगता है नौकरी से ज्यादा ऋषि के साथ इनकी होनी जरूरी है टक्कर। एक्चुअली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई है, तो मुझे अब है कि जॉब ढूंढना है, और रानू आंटी ने भी बोला है कि आपको तुम लोगों को लड़कियों को घर से निकाल दूंगी मैं एक दो दिन में, तो अब क्या करूँ मैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, जॉब ढूंढ रही हूँ, ऊपर से जॉब भी कहाँ जा रही हूँ मैं, जहाँ पर भी जाती हूँ मुझे ऋषि मिल जाता है। किसी ना किसी बहाने ऋषि और तनुजा का हो ही जाता है आमना सामना, और फिर होता है कुछ ऐसा जिससे ऋषि को हर बार आ जाता है गुस्सा। अब इस बार वजह बनी ये चप्पल, जो ऋषि से टकराने की वजह से जाती है टूट। चप्पल टूटी मुझे ऑलरेडी, मतलब आप सोच रहे हो जब जॉब नहीं मिलती, आप वैसी आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास सिर्फ दो तीन दिन है, और उसमें भी मुझे जॉब ढूंढना है, मतलब लेना है उन्हीं दिन में, और फिर भी मैं जा रही हूँ, टाइम नहीं है, ऑलरेडी लेट हो गया, फिर मेरी चप्पल टूट गई है, इतनी सारी चीजें हो रही है मेरे साथ। अब ऋषि को तो आप जानते ही है, वो है अपनी आदत से मजबूर, और बिना माने अपना कसूर वो हो जाते हैं वहाँ से रवाना। तनुजा भी बस गुस्से का घूट पी कर बढ़ती है बेदी एंटरप्राइजेस की ओर। देखते हैं कब तक चलती है तनुजा की और ऋषि की ये नोकझोंक। बस तब तक हम यही चाहते हैं कि ऋषि लगा ले अपने गुस्से पर थोड़ी रोक। आलोक मिश्रा के साथ गीतिका पंत, मुंबई, आइटन 7। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पिए ही न पान। दो मिनट के ब्रेक के बाद भाभी बढ़ाएंगे आपका टीवी का ज्ञान। भाभी एक आदमी की पत्नी चल गुजरी तो वो शेरनी ले आया। मैंने पूछा भाई साहब ऐसा क्यों, बोला क्या बताऊं मैं उसे बहुत मिस कर रहा था, मैं तो अभी अभी गधा भी बुक करके आया हूं। मैंने पूछा क्यों, क्योंकि मेरे साली की भी तबीयत खराब है। कभी देखी है ऐसी शादी जहां दूल्हा दुल्हन ढोल पर खुद ही नाच रहे हो? इनको तो आप जानते ही होंगे, ये है हुनर अली। इनको आपने कई सीरियल्स में देखा होगा, और ये है मयंक गांधी। स्प्लिट्स विला सीजन 7 में ये दिखे थे। इसके अलावा ये अशोका में भी नजर आए थे, और हाल ही में सीरियल काली में हुई है इनकी एंट्री। हुनर अली और मयंक गांधी ने रविवार सुबह दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में गुरुद्वारे में सिख रीति रिवाज के साथ शादी कर ली। गुरुद्वारे में सुबह दोनों ने परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में शादी की। हमारी शक्लों में खुशी दिख रही है, एंड नहीं दिख रही, एंड ऑफ कोर्स वी आर हैप्पी, एंड ऑफ कोर्स ये एक ऐसा मोमेंट है जो जब हमने एक दूसरे को पसंद किया था तभी इमेजिन कर लिया था, तो वी जस्ट लिविंग द मोमेंट। आम दुल्हन की तरह अपनी शादी पर हुनर ने बिल्कुल ही अलग अंदाज अपनाया, न लाल लहंगा न लाल चुनरी, हुनर तो दिखी एकदम अलग रंग में। Dress designed by Archana Kocher, and my earrings are from Kalyan Jewelers. And मैंने pastel colors choose करे हैं इसलिए because गर्मियों का मौसम है, तो I thought of just keeping it light.
ग्रेटर कैलाश में गुरुद्वारे में हुई शादी के बाद दोनों का दिल्ली में ही एक 5-स्टार होटल में किया गया शानदार रिसेप्शन, जहां परिवार के लोग और कुछ खास दोस्त ही मौजूद थे। हुनर की शादी की सभी रस्में दिल्ली में की गईं। रोका से लेकर संगीत और मेहंदी से लेकर हल्दी तक सब कुछ दिल्ली में हुआ। हुनर अली और मयंक गांधी की मुलाकात उनके परिवार के जरिए हुई। ये मुलाकात प्यार में बदली और ये प्यार शादी के बंधन में तब्दील हो गया। इस साल की शुरुआत में हुनर का रोका हुआ था और अब शादी। वैसे हुनर और मयंक की शादी का सबसे हाई पॉइंट क्या था, ये बताया हमें खुद हुनर और मयंक ने। आखिरी लावा फेरे जब हमने लिए थे, मैं जब चल भी रहा था तो मैंने इसको बोला भी था कि दिस इज आर रोड टू द न्यू लाइफ दैट वी आर गोना लीड। सो ऑब्वियसली दैट इज लाइक रियली स्पेशल, क्योंकि क्या होता है कि जब वो आखिरी फेरा, जब आपको पता है कि आप वो पूरा करने वाले हैं और आप एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं, तो आई थिंक मुझसे हुनर अग्री भी करेंगे। फिलहाल अब दोनों शादी के बंधन में बन चुके हैं। परिवार वालों की रजामंदी से दोनों की शादी बड़ी ही धूमधाम से रचाई गई। पर अब सवाल ये कि हनीमून पर दोनों कहाँ जा रहे हैं, चलिए हम बताते हैं। सुना है दोनों हनीमून पर यूरोप जाने की तैयारी कर रहे हैं। सोचते हैं और सोचने के भीतर और तो कुछ किया नहीं, हम सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे। अब ये यूरोप है कि इटली है कि हिमाचल प्रदेश है कि कहाँ है, ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन ऑब्वियसली जाएंगे। अभी थोड़ा सा कुछ कमिटमेंट्स हैं। फिलहाल टीवी की एक और बेटी हो गई है पराई, पर अच्छी बात ये है कि वो शादी के बाद भी इस इंडस्ट्री से जुड़ी रहेंगी। IBN 7 की तरफ से आप दोनों को शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली, IBN 7। भाभी जबरदस्ती की अफवाह फैली हुई है कि लड़के ना लड़कियों की इज्जत नहीं करते हैं। अरे जाओ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले हमारे गली में एक लड़की की शादी हुई, माँ बाप से ज्यादा हम लड़के रोए हैं। अभी भी याद आती है। हो गया है एहसास कि चकोर ने आज तक किया है इमली के लिए बहुत कुछ खास। क्या तो अपने भगवान को अपने लिए त्याग दिया। अरे मर जाने देती ना तू हमका। पर दीदी आप भी कच्चो नहीं बिगड़े, कच्चो नहीं बिगड़े। भगवान बाबा आज भी सिर्फ और सिर्फ तो नहीं। चकोर ने दी इमली के लिए अपने प्यार की कुर्बानी, ताकि इमली के बच्चे को मिल सके बाप का नाम और ना हो खराब इमली की जिंदगानी। एक तरफ इमली को हो रहा है चकोर की कुर्बानी का एहसास, तो वहीं दूसरी तरफ चकोर को मिलता है विवान का लिखा हुआ एक लेटर। लेटर में विवान ने लिखी है अपनी फीलिंग्स, जिसे पढ़कर चकोर हो जाती है इमोशनल। चकोर को होता है इस बात का एहसास कि विवान करते हैं उनसे कितना प्यार, और चकोर को याद आते हैं विवान के साथ बिताए हुए वो पल जिसने चकोर के दिल में मचा दी है हलचल। वो लेटर हैरान तो नहीं होती, बहुत इमोशनल हो जाती, क्योंकि विवान ने चकोर के लिए लेटर लिखा होता है जो उसके पास होता है, और बहुत इमोशनल चीज़ें बोलता है विवान कि उससे कितना प्यार करता है, ये सारी चीज़ें। तो वो एक फ्लैश में चली जाती है जहाँ विवान और चकोर की थोड़ी सी प्यारी प्यारी बातें हो रही होती हैं, कि अगर कोई और लड़की आ गई तो विवान कहता है नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूँगा और ये सारी चीज़ें। तभी कमरे में सूरज लेते हैं एंट्री, जिनके दिल में इमली के लिए फिर से बज रही है घंटी।
सूरज चाहते हैं इमली के बच्चे को अपना नाम देना और चाहते हैं इमली को पाने में चकोर करे उनकी मदद। तभी वहाँ चुपके से आती है रागिनी और सूरज और चकोर की बातें सुनकर लेती है मजा। देखते हैं आगे क्या पता रागिनी इन सब बातों का कैसे उठाए फायदा। प्यार इमली के लिए उसको अपना प्यार जो है उसको रियलाइजेशन हो गई है और जो बच्चा होने वाला है तो उसके बारे में भी वो सोच रहा है। सो उसे ये एहसास है कि वो गलती कर चुका है पर वो उसे सुधारना चाहता है और इमली को वापस पाना चाहता है। सो दैट्स व्हाई ही इज़ अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड, ही डजंट नो व्हाट टू डू। इमली थोड़ा बहुत मूव ऑन कर चुकी है ऐसा लग रहा है और इसलिए वो चकोर के पास आता है कि हम सब अपनी गलतियाँ सुधारना चाहते हैं और हम इमली को वापस पाना चाहते हैं। लेकिन चकोर ने कर दिया है साफ मना और सूरज को काफी कुछ दिया है सुना। देखते हैं अब चकोर और इमली की जिंदगी में आता है कौन सा नया ट्विस्ट। संजीव चौधरी के साथ गीतिका पंत, मुंबई, आईबीएन 7। बस इतना है तुम से कहना, बस इतना है तुम से कहना। भाभी सीरियल एक दूजे के लिए में सुमन की हो रही थी शादी, लेकिन आदित्य ने कान भर कर सुमन की शादी तोड़वानी चाहिए। यार लोग ना कान कैसे भर देते हैं। कल मेरे दोस्त के कान में दर्द था, उसने मुझे बोला भाई ईयर ड्रॉप डाल दे। मैंने कहा मैं नहीं डालूंगा। पूछा क्यों? मैंने कहा क्योंकि ईयर ड्रॉप से भी कान भर जाता है और मेरे को कान भरने का कोई शौक नहीं है। इश्क तो आदित्य का सच में हद से पार ही गुजर गया। तभी तो शादी के पहले ही वो इस तरह सुमन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। छोड़ मुझे आदित्य, और अपने प्यार को जुनून बना बैठा है। बंद कमरे में आदित्य अपनी इस हरकत को अंजाम देने ही वाला था कि वो तो भला होश रवन का, जिसने ऐन वक्त पर आकर सुमन की मदद की। अभी जो कुछ भी आदित्य ने किया है उसके बाद तो आई डोंट थिंक कोई भी लड़की शादी करना चाहेगी ऐसे लड़के से। और जहाँ तक किसी और के साथ घर बसाने वाली बात है, दैट्स अ वेरी रिलेटिव टर्म, ऐसा होता नहीं है। सही कहा सुमन आपने, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि श्रवण आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है? क्यों श्रवण, आप क्या कहेंगे? आई थिंक दिखाया कि प्यार जो उनका थोड़ा ऑब्सेसिव सा दिखाया था शुरू से कि देखते ही उन्हें प्यार हो गया था, वो थोड़ा बिकॉज ऑफ व्हाट श्रवण सेज वो एकदम प्यार का जो डार्क साइड होता है वो उसमें चले जाते हैं और कुछ और ही जोन में चला जाता है वो। और दैट इज़ व्हाई ही एंड्स अप डूइंग समथिंग सो डिसगस्टिंग। एंड I don't think शादी से कुछ मैटर करता है, शादी के बाद, शादी से पहले, it's just a horrible thing to happen to anybody। चलिए वो तो आपके स्क्रिप्ट राइटर्स ही बताएंगे कि उन्होंने आगे क्या लिखा है। लेकिन कुछ भी कहो, शादी के दिन अपनी सुमन लग रही थी बेहद खूबसूरत। रोज जो आप सुमन को देखते हैं बहुत प्लेन देखते हैं, बिकॉज सुमन को जैसे हमने दिखाया बहुत ही एक कामकाजी लड़की है। आज सिंस उसकी शादी है एंड शादी पर एक लड़की सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा सजती है, तो उसी हिसाब से हाँ उन्होंने मुझे कुछ ज़्यादा ही चीज़ें ला दी हैं आज। जैसे आप देख सकते हैं जितनी ज्वेलरी मैंने पहनी हुई है, ऑफ कोर्स इतना तो ब्राइड का बनता ही है। शायद उनकी इसी खूबसूरती ने आदित्य का दिल बेमान कर दिया। लेकिन जो भी हो, ये गलती माफी लायक तो बिल्कुल नहीं है। अब क्या ट्विस्ट लाएगी ये शादी? पारस कोठारी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, आईबीएन 7। भाभी कहते हैं कि जो लोग सच बोलते हैं ना वो बहुत सीधे होते हैं। बिल्कुल सही बात है,
क्योंकि हमारी जो खबरी भाभी है ना, सच बोल बोल के इतनी ज्यादा सीधी हो गई कि इनको तो गाय से पहले रोटी दी जाती है। राम झूठ ना बुलवाए सकी। कहते हैं धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ई रिश्ता की अक्षरा यानी कि हमारी हिना खान बहुत बीमार बा, ऐसे में उस सेट पर ही नहीं आ रही। अब हिना का गई छुट्टी पर कि नायरा और कार्तिक खुद को स्टार समझने लगे। हम सुने हैं कि दोनों सेट पर आजकल बहुत नखरे दिखाने लगे और तो और खुद को लीड भी समझने लगे। कहीं ऐसा ना हो कि इस चक्कर में सीरियल से ही हाथ धोना पड़ जाए। अब भी वक्त है, नींद से जाग जाओ, हम एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए सकी। रिश्तों के सौदागर बाजीगर जितने जोर शोर से शुरू हुआ था ना, उतना ही शांति से टाटा बाय बाय कहने वाला है। उका है कि इस सीरियल की कहानी दर्शकों को अच्छी ना ही लगी, यही लिए सीरियल को ऑफ एयर करने का प्लान बनाया गया है। हम एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए, पर एक ठो खुशी की खबर बा। पहले मुंह तो मीठा करो। उका है कि अपने कीश्वर और सुयस ना जल्दी शादी करने वाले हैं। हाँ हाँ, हम सही सुने हैं, दोनों ने शादी की डेट फाइनल करने का फैसला कर लिया है। हम एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए सखी। अपना टशने इश्क भी ना अफेयर होने वाला है और यही लिए अपने जैन ना सेट पर काफी इमोशनल हो गए। हम एकदम सही सुने हैं। रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। दो मिनट का ब्रेक लेने दो, फिर जम के एंटरटेनमेंट होए। भाभी, जरूरी नहीं कि औरत जो बोले उसका मतलब भी वही निकले। हाँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल मैंने देखा एक औरत भगवान के घर पर प्रार्थना करी थी। भगवान, मैं चाहती हूँ ना कि मुझे हर जन्म में इन्हीं की जैसा पति मिले। बगल में खड़े होकर मैं सुन रहा था, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने पूछा, आप अपने पति से इतना प्यार करती हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बड़े मुश्किल से तो इस जन्म में जोरू का गुलाम बनाया है, अब हर जन्म में थोड़ी मेहनत करूंगी। महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। हर लड़की चाहती है अपने हेयर स्टाइल के साथ एक्सपेरिमेंट करना, तो चलिए बिना किए हुए टाइम वेस्ट चलते हैं सीधा दिव्यंका के पास। ये रेशमी जुल्फे, ये शर्बती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये है मोहब्बतें से जुड़ने के बाद दिव्यंका ने किया अपने हेयर स्टाइल में काफी कुछ चेंज। तो करते हैं शुरुआत स्टार्टिंग से, जब दिव्यंका दिखाई दी एक साउथ इंडियन सीधी साधी लड़की के किरदार में। जब इशिता बिफोर मैरिज बेसिकली जब वो एक साउथ इंडियन टाइप वाले रोल में थी, सो आई यूज टू सपोर्ट अ वेरी सिंपल स्ट्रेट हेयर, जिसमें मैं जो मेरे बाल बिल्कुल काले थे क्योंकि साउथ इंडियन थी इशिता, अभी भी है बट नाउ शी इज मैरिड टू अ भल्ला, शी इज अ पंजाबी। फिर कहानी आगे बढ़ी और दिव्यंका की रमन से शादी हो गई। उसके बाद फिर थोड़ा सा चेंजेस आने चालू हुए जब व्हेन शी गॉट मैरिड, एंड फिर जब फिर पार्टी सीक्वेंसेस होते थे तब फिर इशिता कुछ अलग से हेयर स्टाइल्स करती थी, लाइक नाइस बंस एंड, लेकिन बाल हमेशा काले रहे। और फिर आया कहानी में लीप, जिसके बाद दिव्यंका को एक्सपेरिमेंट करने के लिए काफी कुछ मिला। आफ्टर लीप आई गॉट अ चांस, क्योंकि इशिता वॉज इन ऑस्ट्रेलिया और वहाँ पे इतने साल बिताने के बाद यू नो आई जस्ट गॉट इन टू हर स्किन, एंड मैं सोच रही थी कि अगर इतने साल वो वहाँ रही होगी कुछ तो किया होगा उसने अपने ऊपर, जाहिर सी बात है हेयर कट, हेयर कलर, समथिंग। सो आई केम अप विद दिस आइडिया ऑफ लेड हेयर एंड उसमें कलरिंग। वैसे दिव्यंका अपनी ऑडियंस के लिए भी करती हैं बहुत कुछ, एक ही लुक में देखकर ऑडियंस ना हो बोर, इसीलिए दिव्यंका करती रहती हैं ट्राई मोर एंड मोर।
मैं कर्ल्स करना चाहती थी हमेशा से बाल, क्योंकि ऑडियंस को भी कुछ चेंज चाहिए था, वरना वही स्ट्रेट हेयर वही बोरिंग सा हो जाता. सो आई गॉट दिस कर्ल्ड वाला लुक. वैसे दिव्यांका के तो हैं स्ट्रेट हेयर्स, फिर क्यों है इन्हें कर्ल्स इतने पसंद? अगर आपके स्ट्रेट हेयर हैं जो कि दिव्यांका त्रिपाठी के हैं, देन यू बेटर लीव देम ओपन. सो रादर मैं स्ट्रेट रख लेती हूँ एंड ओपन छोड़ती हूँ पार्टीज वार्टीज के लिए कहीं, या फिर जस्ट नॉर्मली सुंदर दिख रहा था इससे खोला और हो गए. गर्ल्स की दीवानी हमारी दिव्यांका रानी को पसंद है अलग अलग स्टाइलिंग, जो सिर्फ कर्ली बालों के साथ ही हो सकती है. If you've got curly hair, then you can play a lot. You know, फिर आप अपने बालों को थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके, you know, यहाँ से आप ऐसे ऐसे करके बालों को ऊपर एंड यहाँ से ट्विस्ट करके, एंड यू कैन जस्ट मेक अ हैलो काइंड ऑफ हेयर स्टाइल, मतलब पूरे तरफ एक गोल गोल सा आपके बन जाएगा. अदरवाइज यू कैन मेक अ प्लेट ऑल्सो, देन फिर आप एक चोटी भी कर सकते हो और उसको थोड़ा सा लूज लूज कर लो हाथों से. सो बहुत प्यारा सा ऐसा कास्केडिंग सा एक हेयर स्टाइल बन जाएगा, चोटी बनेगी, मतलब खुली खुली सी मैसी सी चोटी. लेकिन इन सारे एक्सपेरिमेंट में जो करता है दिव्यांका की मदद, वो है उनकी हेयर स्टाइलिस्ट, जिनके साथ दिव्यांका की काफी अच्छी है ट्यूनिंग. मैं अकेले नहीं करती, उनकी भी मेहनत होती है, हम दोनों मिलके करते हैं और वो मेरे साथ में बहुत सपोर्ट मेरा देते हैं, और कभी नहीं भी समझ में आता तो मेरी हेल्प करते दिए, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो. बट तो बहुत अच्छा आता है ना एक्सपेरिमेंट, टीम वर्क कहते हैं इसको, टीम वर्क. हम लोग मिलजुल के हम लोग नए नए स्टाइल्स निकालते हैं एंड वी ट्राई डूइंग देम. जाते जाते दिव्यांका से क्यों ना ले लें हेयर स्टाइलिंग के ऊपर कुछ टिप्स एंड सजेशंस. स्ट्रेट हो मेरे जैसे, अगर घने नहीं हो एंड सिल्की बाल हो, तो कृपया एक चोटी बना के मत घूमना, लोग सोचेंगे कि क्या हो गया इसे, कहाँ उड़ गए बाल. सो आई जनरली डोंट ट्राई चोटीज ऑन माय स्ट्रेट हेयर. चलिए चलिए अब हम भी चलते हैं और करते हैं दिव्यांका के बताए हुए नए हेयर स्टाइल ट्राई. रुचिका सिंह के साथ गीतिका पंत, मुंबई, आईबिन 7. भाभी सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में सोनाक्षी और ऋत्विक डेट पर गए थे, लेकिन देव ने वहां पर आकर पूरा का पूरा डेट खराब कर दिया. गलत बात है, जबरदस्ती आया यार, आप नहीं भी आते तब भी खराब ही होना था, क्योंकि डेट के बाद वो वैसे भी शादी करते ना. रहा है देव का सपना उसकी आंखों के सामने. जिस सोना से वो इतना प्यार करता था, आज वो अपने मंगेतर ऋतिक के साथ कुछ इस तरह से टाइम स्पेंड कर रही है, जिसे देखकर देव के दिल की धड़कनें थम सी जाती हैं. तेरे क्या है जीना, दिन तेरे क्या है जीना. लेकिन भाई इस रोमांटिक डेट के पीछे की कहानी कुछ और है, क्योंकि ये सब तैयारी, ये माहौल तो अपने देव ने ही तैयार किया था, लेकिन इस मौके को कैश कोई और ही कर गया. मुझे लगा ऋतिक ने किया, ऋतिक को लगा कि मैंने किया है, लेकिन किसी और ने ही किया है. पता चल जाता ना किसने किया, खुद आके बोलते हैं मैंने किया, तो उनका मूड भी स्पॉइल हो जाता है. ओहो, बेचारे प्यार के मारे को खुद ही बताना पड़ा कि ये सब उन्होंने खुद ही किया है, वो भी अपने प्यार सोनाक्षी के लिए. और तो और अपने देव ने उनसे डांस करने के लिए भी पूछ लिया, लेकिन इस प्लान पर ऋतिक ने पूरा पानी फेर दिया. आपने डांस की परमिशन मांगी पर मुझसे, सॉरी मिस्टर दीक्षित, बट हम दोनों डांस करते हुए थोड़े अजीब तो लगे. मैं डांस करना चाहूंगा अपने फियांसे के साथ. मिक्स फीलिंग है, क्योंकि सोना चाहती भी और नहीं भी चाहती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज़ फीलिंग बैड फॉर हिम, क्योंकि ये वो हाल में है और पता है उसे कि क्यों है इस हाल में. ही ऑल्सो इज़ कन्फ्यूज बिटवीन द लव फॉर सोना एंड हिज मदर. बेचारे देव अपनी माँ की ममता में ऐसे फंसे कि अपना घर ही नहीं बसा पा रहे, अब क्या करेगा ये प्यार का मारा.
मुझे बस इतना ही समझ आ रहा है कि वो भी कुछ भी कर सकता है। देख, वो ऐसे लेवल पे पहुंच चुका है जहां उसे समझ नहीं आ रही कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। चलिए देव, हम तो यही चाहेंगे कि आपकी जिंदगी में कुछ रंग प्यार के आ ही जाए, इससे पहले कि सारे रंग उड़ जाए। शिखा धारीवाल के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN 7। भाभी सीरियल थे थपकी प्यार की है में मैंने कोसी देवी और उनकी फैमिली को एक ज्ञान दिया था। मैंने कहा था कि बड़े बुजुर्गों की बहुत कीमत है, इसीलिए कहा जाता है ओल्ड इज गोल्ड। उनको बात इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने दादी को ही किडनैप कर लिया। प्रॉब्लम है कि बिहान की सिर्फ एक ही किडनी है, तो वो अगर निकलेगी तो बिहान मर जाएगा, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जिए मरे भाड़ में जाए। मेरा बच्चा जॉन बच जाना चाहिए। क्या है कि अब उसको और भी पीने की आदत है, तो आगे अगर वो भी खराब हो गई तो फिर मुझे और देखना पड़ेगा, बच्चे को थोड़े मना कर सकते। कितनी बेरहम माँ है ये, आखिर अपने ही बेटे के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? एक बेटे की जान बचाने के लिए दूसरे बेटे की कुर्बानी। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। दरअसल हुआ यूं कि कोसी का असली बेटा तो बिहान है, ये तो आपको पता ही चल गया होगा, पर कोसी का एक और बेटा है जॉन, जो निहायती बिगड़ा हुआ है और अय्याश किस्म का है। अब हुआ यूं कि जॉन की दोनों किडनी हो गई है खराब, ऐसे में कोसी चाहती है जॉन को बिहान की किडनी दे दी जाए ताकि उसकी जान बच सके। मेरा दूसरा बेटा भी है जॉन, और जॉन थोड़ा अय्याश टाइप का है, तो थोड़ा पीने की वजह से उसकी किडनीज खराब हो गई हैं दोनों, तो अब उसके लिए नई किडनी चाहिए। तो किसकी होंगी? तो भाई उसके भाई की होगी, तो हम बिहान के पास आए उसके किडनी लेने के लिए। माँ के लिए तो अपने सभी बच्चे बराबर होते हैं, लेकिन ऐसी माँ तो पहली बार ही देखी जो अपने ही बेटे को कुर्बान करने चली है। लेकिन इस साजिश के बारे में दादी को चल गया है पता, और इसलिए कोसी ने कर दिया है दादी को किडनैप। एक शिक्षा देते हैं, कभी किसी के कमरे में चुपचाप से कान लगा के बात नहीं सुननी चाहिए, जो सुनता है उसका मुंह बंद किया जाता है, और उसे बंद किया जाता है बक्से में, और उसे बाहर आउट हाउस में छोड़ दिया जाता है, समझ लो। इधर थपकी को थोड़ी आहट तो लगी कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कोसी की चाल के आगे वो भी हो गई है फेल। देखते हैं बिहान और दादी की जान थपकी बचा पाएगी या फिर ये दोनों कोसी की भेंट चढ़ जाएंगे। संजीव चौधरी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। भाभी जरूरी नहीं कि अगर आदमी बहुत देर तक ऑफिस में काम कर रहा है तो वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, ऐसा नहीं है। हाँ, एक आदमी बहुत देर तक ऑफिस में काम कर रहा था, बॉस ने आके पूछा, सब जा चुके हैं तुम अभी तक क्यों काम कर रहे हो? तो बोला, ऐसा है ना सर, दरअसल मेरी बीबी भी ना कहीं ऑफिस में काम करती है, तो हम में से जो जल्दी घर पहले पहुंच जाता है उसको खाना बनाना पड़ता है। हाँ, ऑफिस का सारा काम करूंगा मैं, घर नहीं 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 जाऊंगा मैं। मुंबई में इन दिनों सितारों का मेला लगा है। लेक्मे फैशन वीक के रैंप पर हर खूबसूरती ने इन दिनों जलवा बिखेर रखा है। सबसे पहले दिखाते हैं आपको बेबो के बेबी रैंप वॉक की। जी हाँ, प्रेगनेंसी के बाद बेबो पहली बार रैंप पर वॉक करती नजर आई। सभ्य साक्षी के इस सुनहरे अटायर में बेबो ने समा बांध दिया कि सबका दिल उनके आते ही थम सा गया। मैंने हमेशा कहा है कि टिल आई डाई आई विल एक्ट, एक्टिंग इज माई पैशन, माई वर्क इज माई पैशन, एंड एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग व्हाट आई लव, आई थिंक दैट्स यू नो द जॉय इज शोन ऑन माई फेस, सो यू नो आई एम गोना कंटिन्यू टू डू इट। करीना के अलावा जिसने इस महफिल का दिल लूटा वो थी अपनी दिया मिर्जा, शिल्पा शेट्टी, बिपाशा बासु, प्राची देसाई और पूजा हेगड़े।
beautiful. It's you know, these are the colors that I truly love, being a Bengali, and you know, it's Assam is a neighboring state, and it's a beautiful clothes and traditional, and it's, you know, I love anything with reds and silk, especially tassar, the way she has used it. Yeah, I loved it. I love you know, dressing up traditional. भाई जहां अपने हीरोइंस इतने बिंदास हो तो अपने हीरो कहां पीछे रहने वाले हैं, इसलिए यहां रणबीर कपूर और इमरान हाशमी का भी जलवा दिखा। ये पता नहीं अगर इसने मुझे मामा बनाया क्या बनाया, उसने बोला ये सब पहनो अच्छा लगेगा, फिर इसने ये भी पहना दिया। इट्स देयर टू मैच द वर्क ऑन द या यू वांट टू टॉक अबाउट दिस? Yes, the concept of his outfit. No, actually, nobody's interested. So yeah, उसने rings बनाए। ये पता नहीं अगर इसने मुझे मामा बनाया क्या बनाया, उसने बोला ये सब पहनो अच्छा लगेगा, फिर इसने ये भी पहना दिया। It's there to match the work on the. Yeah, you want to talk about this? Yes, the concept of his outfit. No, actually, nobody's interested. So yeah, उसने rings बनाए। All in all, Lakme Fashion Week की ये रात रही काफी यादगार, क्योंकि आप fashion को अपना statement दिया इन Bollywood सितारों ने। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई, आईबीएन 7। भाभी आपको पता है कल एक आदमी ना दरिया में डूब रहा था, मैंने उसको बचाया और उसके बाद फिर उसको दरिया में फेंक दिया। पता है क्यों? क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि नेकी कर दरिया में डाल, तो मैंने डाल दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाभी, मजाक कर रहा था। लेकिन ऐसा हो भी सकता है भाभी, क्योंकि जमाना इतना खराब है ना कि आजकल आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हो। हाँ खैर भाभी, फिलहाल वक्त तो चला मेरे जाने का, लेकिन जाते जाते यही कहेगा भाभी तेरा देवर दीवाना, भाभी जमाना बहुत खराब है, प्लीज सुरक्षित रहना, सचेत रहना और अपना ख्याल रखना।